अब मैं आपको पहले अपनी बाइक की ओरिजिनल हेडलाइट दिखाता हूँ। ये है लो बीम एंड ये है हाई बीम। सो अब मैं अपनी न्यू ऑक्स लाइट को ऑन करने वाला हूँ। आर यू रेडी? आज लिटरली दिल्ली का मौसम ऐसा था जैसे हल्की हल्की ठंड आने की शुरुआत हो गई हो। अभी मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी मीटिंग अटेंड करने के लिए और इसी के साथ दिल्ली में सब कुछ ओपन हो गया। ऐसा लग नहीं रहा कि दिल्ली में कभी कोरोना वायरस था भी। सभी लोग ओपनली घूम रहे हैं, काफी सारे लोग तो बिना मास्क के घूम रहे हैं। मानव जिंदगी को स्मूथ चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो भी करना है थोड़ा सेफली करना है, तो मीटिंग अटेंड करते हैं बट सेफली। मीटिंग अटेंड करके मैं अपने घर वापस आ गया और आज मुझे किसी भी हाल में अपनी बाइक पे ऑक्सलाइट फिट करनी ही करनी है। किसी भी बाइक पे ऑक्सलाइट फिट करने के लिए ऑक्सलाइट माउंट का होना बहुत जरूरी है और अपनी बाइक के लिए मैंने ऑक्सलाइट माउंट कैसे बनवाया है पहले आप वो देख लो शॉर्ट में। तो ये रॉड है जिसका हमने मेजरमेंट ले लिया है और इसको बाइक में यहां पर हम लोग फिट करेंगे। अभी हमने इसमें ब्रैकेट तो फिट कर दिया, अब इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बेंड करना है। बेंड करने के बाद इसमें ऑक्सलाइट का माउंट लगेगा जिसमें ऑक्सलाइट फिट होगी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें देखना पड़ेगा कि लाइट जो है वो हमारी दोनों तरफ से गैप जो है वो उतना ही रहे ताकि वो सेंटर में फोकस कर पाए। ऐसे काम कराते हुए चाय पीने का मजा ही कुछ और है। आई एम लुकिंग सो डर्टी। ये हमारा पूरा ब्रैकेट बनके तैयार हो गया है। अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन अभी इसकी पूरी फिनिशिंग होगी और लाइट के लिए हमने यहाँ पे होल्स भी कर दिए हैं जिसमें ऑक्सलाइट माउंट होगी। तो अभी इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग करते हैं। इस पे प्राइमर लगा दिया, अब इस पे बस सिर्फ पेंट का कोट मारना बाकी है, उसके बाद इसे फिट करके देखेंगे। तो भूपेंद्र भैया ने बड़ा दिल से काम किया, थोड़े बहुत चैलेंजेस आए लेकिन बड़े हंसते हंसते सारे चैलेंजेस को उन्होंने खत्म करके और मेरा जो माउंट है वो बना दिया। भूपेंद्र भैया थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका काम मेरे को बहुत अच्छा लगा और जो हमने माउंट बनाया है वो जो नॉर्मल माउंट होते हैं उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे भूपेंद्र भैया जो है वो बाइक से काम नहीं करते, घर में जो भी छोटे मोटे काम होते हैं। वैसे आपके बहुत बड़े बड़े काम भी है ना। अभी भूपेंद्र भैया किसी साइड पे जाने वाले थे बट मेरी वजह से वो नहीं गए, छोटा सा काम करने के लिए मेरे लिए रुक गए। वैसे भूपेंद्र भैया को बाइक्स का बहुत शौक है। शौक बहुत है लेकिन ये बीच बीच में काम आता है, जैसे हम फ्री होते हैं तो लगा देते हैं, अदरवाइज। लेकिन आज आप फ्री नहीं थे मेरे काम के लिए, आज आपने कर दिया। चल जाता, चल जाता। जुबान के लिए कर दिया। आप भैया ने एक मूवी की शूटिंग हुई थी उसके लिए भी ऑटो में कुछ था काम, वो ऑटो पूरा डैमेज होना था तो उसके लिए भी भैया ने सारा काम करके दिया था। मैं आपको भैया की शॉप दिखा देता हूँ इनकेस अगर आप आस पास हो। ये कौन सी जगह है? चूना मंडी पाड़गंज। ये चूना मंडी पाड़गंज है। मैं आपको भैया का नंबर भी शेयर कर देता हूँ और शॉप भी दिखा देता हूँ, इनकेस अगर आपको कभी कोई काम होता है तो आप यहाँ के करा सकते हो। अगर कुछ सामान आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है रजिस्टर कर पाना और वो भी स्पेशली तब जब आपने खुद से मेहनत करके उसे बनाया हो। इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ गया और रात को सोते सोते मेरे दिमाग में यही था कि कब मैं इसे अपनी बाइक पे देखूंगा। तो अभी मैं इस पे स्प्रे पेंट की कोटिंग करूंगा ताकि इसकी लुक जो है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाए। सूखने के बाद इस पे सेकंड कोट करेंगे और जरूरत पड़ी तो फिर थर्ड कोट भी करेंगे। फाइनली मेरे ऑक्सलाइट के ब्रैकेट की फिनिशिंग कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ थोड़ी सी फिनिशिंग मैंने अपनी भी कर दी क्योंकि मुझे गणेश जी का विसर्जन करना था और गणेश जी को हमने यहाँ विसर्जित कर दिया है। सबसे बेस्ट होता है मिट्टी के गणेश जी लाओ और घर में ही विसर्जित कर दो। अब मैं जल्दी से ऑक्सलाइट के ब्रैकेट को फिट करता हूँ और उस पर ऑक्सलाइट माउंट करता हूँ बिकॉज आई कांट वेट एनी मोर। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि लाइफ में कभी भी अगर आप ऑक्सलाइट इंस्टॉल करना चाहोगे तो दिस वीडियो विल हेल्प यू, और अगर नहीं भी करते हो तो नॉलेज के लिए वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। अब यहाँ पे मैंने अपनी ऑक्सलाइट रख दी है, ये मेरी वायरिंग हार्नेस है, ये मेरा स्विच है और ये कनेक्टर्स हैं। यहाँ पे इसमें रिले लगी हुई है प्लस एक फ्यूज़ लगा हुआ है,
ये जो दो ब्लैक और रेड वायर है इसके अंदर ऑक्स लाइट लगेगी। स्विच के साथ जो एक ग्रीन कलर का वायर है ये अर्थ में लगेगा, और यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा ब्लू कलर का वायर है ये बैटरी के पॉजिटिव में लगेगा। बस यही दो चीज़ें जो लोग समझ नहीं पाते, मिस कर जाते हैं। ये ब्लू वाला वायर बैटरी के साथ प्लस में, और ये ग्रीन वाला वायर अर्थिंग में। अब मैं फटाफट से इसे माउंट करता हूँ और फटाफट से आपको दिखाऊंगा कि पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे किया है। सबसे पहले हम ये दो बोल्ट खोलेंगे, एक इस साइड है एक उस साइड है, और इन्हीं बोल्ट के ऊपर हमारा जो ऑक्स लाइट का ब्रैकेट है वो माउंट होगा। अब ये जो ब्रैकेट है ये लग चुका है, एक बार फ्रंट से भी आपको दिखा देता हूँ। और अब हम करेंगे वायरिंग का काम, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कहीं से कोई वायरिंग शॉर्ट तो नहीं पड़ रही है। वायरिंग हार्नेस जो है वो कम्प्लीटली कवर हो जाती है कि नहीं होती है। तो ये वाला जो नट है बैटरी का ये बड़ा परेशान कर रहा है, मैंने पूरी जान लगा दी है, अंदर से थोड़ा सा घिस भी गया है। अब देखते हैं इसे प्लास से खोलने के लिए, वरना लास्ट ऑप्शन जो है वो फिर इसकी चाबी लानी पड़ेगी। ये तो ईजीली खुल गया। ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं लेकिन मज़ा भी बहुत आता है। जैसे जैसे सब कुछ लगता जाएगा एक्साइटमेंट उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला कनेक्शन, रेड वायर और ये ब्लू वायर जो कि रिले में से आ रही है इसको हमें एक साथ जोड़ना है, और सेकेंडली हमें जो नेगेटिव है वो ब्लैक वाली वायर वो इस पर जोड़ना है। और ये मैंने बैटरी में कनेक्शन कर दिया है, और ये ब्लू वायर जो थी जो शॉर्ट थी इसको और प्लस मेन वायर को यहाँ से अंदर से मैंने इसको कनेक्ट किया है। अभी थोड़ा आगे से मुझे सेट करना है इसको, यहाँ पर ये वायर आ चुकी है। और ये जो कवर मैंने यहाँ से निकाला था इसे वापस मैं दोबारा से लगा देता हूँ। अब कनेक्ट करते हैं इसके अंदर स्विच, इसे मैं यहाँ पे माउंट करूँगा। कितनी देर से लगे पड़ो? मेरे को हो गए 2 घंटे। ऋषि 2 घंटे से बोला ऋषि मैकेनिक बने पड़े। हम तो है मैकेनिक आदमी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लाइट्स ऑन हो जाए। कितनी देर लगेगी एग्जैक्टली? आधा घंटा। 2 घंटा वेट करने के बाद भी आधा घंटा, कोई नहीं। तो लाइट जो है वो पूरी तरह से लग चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसी लग रही है। ये स्विच का मुझे डाउट था कि ये लाइट वाला है या नहीं, बट ये लाइट वाला है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। नाउ एज आई प्रोमिस इन माई लास्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको इस ऑक्स लाइट का थ्रो कैसा है और इस ऑक्स लाइट का स्प्रेड कैसा है। तो लेट्स गो। अब मैं आपको पहले अपनी बाइक की ओरिजिनल हेडलाइट दिखाता हूँ। ये है लो बीम एंड ये है हाई बीम। सो अब मैं अपनी न्यू ऑक्स लाइट को ऑन करने वाला हूँ। आर यू रेडी? बूम। आई होप आपको इस कैमरे में समझ आ रहा हो कि ये कैसी है। मैं आपको अपने वर्ड्स में बताता हूँ कि ये जो ऑक्स लाइट है क्रिस्टल वाइट है, प्योर वाइट। और जो मेरी बाइक की ओरिजिनल हेडलाइट है वो भी फिलिप्स के बल्ब हैं, वो भी वाइट हैं। वो येलो और वाइट होता तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, इसलिए मैंने सारा ही वाइट कर दिया है। और खुशी की बात यह है कि मुझे इस ऑक्स लाइट के साथ येलो कवर भी मिले हैं, तो वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन आई थिंक काफ़ी हेल्प करेगा मुझे इन फ्यूचर जो भी मैं राइड करता हूँ। और इसके ऊपर से अगर मैं अपनी ऑक्स लाइट ऑन कर देता हूँ तो हेडलाइट का पता ही नहीं चलता कि हेडलाइट जल भी रही है। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं जब भी अपनी ऑक्स लाइट को ऑन करता हूँ तो मुझे हेडलाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। इससे मुझे एक फ़ायदा भी होगा कि मेरी हेडलाइट जो है उसमें 2 बल्ब लगे हुए हैं, दोनों 55 वॉट्स के हैं। अगर मैं उनको ऑन भी करता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर मैं ऑक्स लाइट ऑन करता हूँ तो मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। इससे जो मेरी बाइक की बैटरी पर लोड पड़ेगा वो भी कॉम्पनसेट हो जाएगा। और ये वो स्विच है जो मैंने ऑर्डर किया था, इसमें अच्छी खासी लाइट जल रही है, काफ़ी अच्छे से विजिबल भी है ये, और इसका जो ब्लू कलर का शेड है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये मेरी बाइक के साथ थोड़ा सा मैच भी हो रहा है, थोड़ा नहीं पूरा ही मैच हो रहा है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैं अपनी बाइक की ऑक्स लाइट को यूज़ नहीं करूँगा। जब भी मेरा कैमरा ऑन होगा मेरी ऑक्स लाइट ऑन होगी, और जब मेरा कैमरा ऑफ होगा तो मेरी ऑक्स लाइट ऑफ होगी। और बहुत ही कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे ऑक्स लाइट की ज़रूरत पड़ी तो ऑन कर लेंगे। मोस्टली मुझे ऑक्स लाइट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, जो हेडलाइट्स हैं उनसे ही मेरा काम चल जाता है। मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी ऑक्स लाइट यूज़ नहीं करी, इसीलिए मुझे नहीं पता कि हाई एंड ऑक्स लाइट्स कैसी होती हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि आई एम श्योर दीज लाइट्स आर इनफ फॉर एनी बाइक। अगर आपको भी यही ऑक्स लाइट परचेज करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे जाइएगा, इंस्टाग्राम पे लिखिएगा द रोलिंग पिस्टन, एक अकाउंट आएगा, एक मैसेज ड्रॉप करिएगा दैट यू आर इंटरेस्टेड इन ऑक्स लाइट, और अकॉर्डिंगली आप बात करके जो लाइट्स हैं वो अपने घर पर डिलीवर करा सकते हो।
और अगर आप चाहो तो 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। मैंने भी 10% का डिस्काउंट नहीं लिया है, अगर आपको डिस्काउंट मिलेगा तो ये समझ लेना आपने लाइट्स मेरे से भी सस्ती ली हैं। मेरा कोई भी पर्सनल बेनिफिट नहीं है इस लाइट को सेल कराने में, बस इसीलिए बोल रहा हूँ कि मुझे वो बंदा बहुत अच्छा लगा। ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, ही इज़ वेरी पोलाइट और वो अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस भी है। मैंने जैसे ही ऑर्डर किया जेसल ने फटाफट से लाइट्स मुझे शिप कर दी और ये विद इन 4 डेज मेरे पास डिलीवर भी हो गई, है ना ऑसम। मैं जेसल का कॉन्टैक्ट नंबर और इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। और इसी के साथ इस वीडियो में आपको एक या आधी चीज़ भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जाते जाते एक बार और ऑक्स लाइट देख लो यार। बूम बूम बूम, बाय बाय।